स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरी नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नई लोकेशन के साथ मेरे YouTube चैनल साइकिल ट्रेवलिंग दिल्ली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन पे लेके हैं। लोकेशन का नाम है मकबरा एपेक। दोस्तों आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मकबरे देखे होंगे, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मकबरा पैक। पैक का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश देने वाला, यानी कि दूत। ये राजा महाराजाओं के संदेश दिया करते थे, आज मैं आपको उनका मकबरा दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो में बने रहें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप सामने ये जो बना हुआ मकबरा देख रहे हैं ये है मुगल कालीन मकबरा। इस मकबरे का नाम है मकबरा पैक। पैक का मायने होता है संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाला दूत। पहले के राजा महाराजा कभी भी कोई युद्ध हुआ करता था या कहीं कोई बात पहुंचानी होती थी तो ये संदेश वाहक ही हुआ करते थे जो संदेश को पहुँचाते थे। दोस्तों जितने भी राजा महाराजा हुए, चाहे लोधी वंश के हुए, मुगल वंश के हुए या तुगलक वंश के हुए, इन सभी के दूत हुआ करते थे जो संदेश वाहक जिन्हें कहते के कहा जाता था। वो संदेश को इधर से उधर पहुंचाते थे, चाहे वो जंग लड़नी हो चाहे किसी भी मकसद से। उन सभी राजाओं ने अपने दूतों के मकबरे बनाए हैं और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये है मुगलों के दूत का मकबरा। दोस्तों वैसे इन मकबरों के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं दी गई है, यहाँ पर लगे हुए SI के बोर्ड के अनुसार ये मुगल कालीन मकबरा है और संदेश वाहक यानी संदेश पहुँचाने वालों का मकबरा है। और यहाँ पर इस मकबरे के अंदर जो कब्र बनी है उसकी कोई पहचान नहीं है कि ये किसकी कब्र बनी हुई है। दोस्तों अगर आप इस मकबरे को देखना और घूमना चाहते हैं तो आपको आना होगा बदरपुर फ्लाई ओवर के पास में, ये मकबरा बना हुआ है। यहाँ की करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन या जहांगीरपुर मेट्रो स्टेशन से आप इजीली 5 मिनट में ऑटो से या पैदल भी आ सकते हैं और यह देख सकते हैं आप। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है फ्लाई ओवर का,